गहलोत का करियर अब खत्म होने जा रहा है। अशोक गहलोत अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। अब ना अध्यक्ष बनेंगे और ना ही सीएम रहेंगे। कांग्रेस नेतृत्व गहलोत से खफा हो गया है। गहलोत की लॉबिंग अब उन्हीं के गले की फांस बन गई। कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश अब तेज हो गई। किसी ने सच कहा है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अशोक गहलोत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यादा लालच के चक्कर में अब गहलोत हर तरफ से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का सीएम पद का मोह अब उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें बाहर कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक गहलोत का 82 विधायकों के इस्तीफे का दांव चलना अब गांधी परिवार को रास नहीं आया। नाराज आलाकमान ने अब उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया है। यही नहीं, चर्चाएं तो यहां तक हैं कि अब सीएम पद पर भी किसी और नेता को लाया जा सकता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी अब आलाकमान को धमकी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी इच्छा से पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। उन्होंने आलाकमान के सामने शर्त रख दी है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। इतना ही नहीं, गहलोत की अध्यक्षी में वो अब कांग्रेस में नहीं रह सकती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब आलाकमान क्या करेंगे। अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो फिर कौन अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष बनने के लिए कई नाम अब एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, कमलनाथ जैसे नेता भी अब अध्यक्ष पद की रेस में आ गए हैं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी अध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंथन कर रहे हैं कि किसे अध्यक्ष चुनाव के लिए समर्थन दिया जाए। इससे पहले अशोक गहलोत पर गांधी परिवार ने मन बना लिया था, लेकिन उनकी हरकत से वो अपमानित और भरोसे पर चोट जैसा महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कमलनाथ मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान के संकट में भी पायलट और गहलोत के बीच मध्यस्थता का काम कमलनाथ को ही दिया गया है। और कमलनाथ अगर राजस्थान के संकट से पार्टी को उबारने में कामयाब हो गए तो उन्हें इसका इनाम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मिल सकता है। कमलनाथ भी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। लेकिन कमलनाथ के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि जिस तरह की दिक्कत राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच है, कमोबेश उसी तरह की दिक्कत ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में थी, और कमलनाथ उससे निपटने में नाकामयाब रहे। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी का दामन थामना पड़ा। यही वजह है कि कमलनाथ की दावेदारी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन गांधी परिवार की करीबी और राहुल गांधी का कमलनाथ पर विश्वास उन्हें अध्यक्ष की रेस में आगे ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भविष्य को लेकर उठ रहा है। गहलोत के अध्यक्ष बनने का पत्ता तो लगभग अब कट चुका है, लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से भी हटाना चाहता है। वो भले ही पायलट को मुख्यमंत्री न बनाए, लेकिन किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो अशोक गहलोत गुट से अलग हो। इसमें सीपी जोशी का नाम सबसे प्रमुख है। ऐसे में राजस्थान में अभी और सियासी ड्रामा होना बाकी है, क्योंकि एक दो दिन के अंदर अभी राजस्थान में कई सियासी उठापटक देखने को मिलेंगे। फिलहाल सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो अब सचिन पायलट अपनी अलहदा राह अख्तियार कर सकते हैं। यानी कांग्रेस के लिए राजस्थान में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। लेकिन इस सियासी उठापटक में अशोक गहलोत का नुकसान होना तय है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।